अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दोपहर का टाइम है और सोच रहे थे कि कुछ बनाया जाए और मैं बना रही हूँ कुछ, तो वो भी आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर। तो पहले मिलते हैं कामरन से। कामरन की ऑफ थी और कामरन आज घर पर थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं और खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि हम लोग खुश हैं। तो आपके आप लोगों के साथ दो तीन बातें ऐसी थी जो एक खसूसी तौर पर मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन आज सुबह से इतना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात से कि क्या हो रहा है हमारे साथ, मतलब हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इस बात से मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपसेट था और सुबह से सोशल मीडिया पे जो है ना ये वीडियो फैसलाबाद में जो सानहा हुआ है ये जड़ा वाले इलाके जड़ा वाले, हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। गिरजा घर हमारे मजहब में उसे खुदा का घर कहा जाता है, घर कहते हैं। और हमारे घरों को तो आप आग जला दो, बिखेर दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन ये कि खुदा का जो घर होता है ना वो खुदा का ही घर होता है जी। उस उन लोगों से शिकायत है जिन लोगों ने ये किया है। हमारे अपने कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो इस चीज़ पर मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं उस पर के वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं, कि मतलब हम इस चीज़ बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन ज्यादा बात ये इतनी सी है कि बस ऐसा नहीं होना चाहिए। मजहब कोई भी मजहब हो जी, कोई भी मजहब हो, कुछ भी हो, मजहब के नाम पे इस तरह जो है ना तशद्दुद नहीं करना चाहिए एक दूसरे पे। सब लोग हमारा और हमारा मुल्क पाकिस्तान तो ऐसा है, सारी कंट्रियों से जो है ना हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो सबसे अच्छा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि वो इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हर कौम को तरजीह दी जाती है जी, ऐसी बात, हर कौम की इज्जत की जाती है। तो लिहाजा ये जो चंद कुछ ऐसे नासिर थे जिन्होंने ये सब कुछ किया, धरा जो भी किया, लेकिन ये कि बहुत गलत हुआ और हम अपने दिल से बहुत ये जो है ना इस चीज़ की बहुत मजबूत, बहुत हमें दुख हो रहा था देखकर, चर्च में लोगों के साथ ऐसा हो रहा था, बस अपने बहन भाइयों के साथ कि लोग अपना घर बार छोड़ के चले गए। लेकिन ये सिर्फ और कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी जो है ना इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। अगर कोई गुनाहगार है जो उसने जुर्म किया ये, उसको सज़ा मिले, उसको आप पकड़ो, उसको कानून के हवाले करो, जो कानून के दायरे में रहकर जो काम हो। और हम लोग हैं, हम ये हैं, कुरान को भी बहुत मानते हैं, ऐसी नहीं अहले कुरान भी अहले किताब है, हम तो मानते हैं उसकी बहुत, हम बहुत ज़्यादा कदर करते हैं अपने मुस्लिम भाइयों की और अपने कुरान पाक की, हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और हम कभी भी उनकी जो है ना दिल जारी नहीं करेंगे। कभी भी हम लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी किसी मसीह ने किसी के साथ कोई गलत किया। लेकिन हमारे साथ ही ऐसा गलत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अफसोस हुआ क्योंकि कामरन ने सुबह से काफ़ी वीडियो देखी है तो वो बहुत सैड था, तो मुझे बता रहा था। कल से मैंने भी सारी वीडियो देखी है तो हम लोगों ने सोचा कि हमारा चैनल है तो हमें बोलना चाहिए। मैं ड्यूटी पे रहता हूँ, मैं मोबाइल कम ही देखता हूँ क्योंकि सुबह ड्यूटी पे निकल जाना है, शाम को आना है तो फिर सो जाना, थके होते हैं। तो आज छुट्टी थी तो इसलिए मैं सुबह बैठा हुआ था मोबाइल लेकर, तो मैं देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ पे कि यार ऐसा भी होता है हमारे पाकिस्तान में। चलो सही है, जो हो गया चलो, सब की इंसानियत है। सबसे मैं सब सोचती हूँ मजहब की बात क्या, सबसे इंसान की जो इंसानियत है ना, इंसानियत होनी चाहिए हर एक में। तो हम लोग इस मौजू में इतनी बात नहीं कर रहे, तो चले चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चावल बना थी क्योंकि कामरन कह रहा था मुझे पुलाव बना कर दो, आलुओं वाला पुलाव, और मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मैं आज शेव करवा के आया हूँ। हाँ अच्छी लग रही है, बहुत लिए मुझे मुझसे नाई ने। और ये इससे देखो, इससे मिलो, ये हमारी जी प्यारी सी बेबी, स्वीट सी बेबी है ये, है ना, ये हमारी स्वीट डॉटर है, सबसे छोटी वाली, स्मॉल सी। तो चले व्यूअर्स, साथ रहिएगा। तो एक्टिविटी जो है आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, मिलते हैं, साथ रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में। प्याज जो होने के लिए रखे थे और जल्दी जल्दी में बना लूँ, मैंने कहा जलना, और गैस बहुत अच्छी आ रही है, तेज़ आ रही है, मैंने बना ली। कामरन ने जाना था कहीं और मैंने कहा मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, तो मसाला वसाला ऐड कर दिया। और व्यूअर्स हमारे यहाँ से मिलता है ये बिरयानी मसाला और ये मैं यूज़ करती हूँ और ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, मतलब जब भी मतलब बनानी हो आलू चावल पुलाव आलू वाले, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है।
और ये वैसे भी आप बिरयानी में भी ये जो है ना यूज़ कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर व्यूअर्स मेरा मसाला पुलाव का हो चुका है रेडी, और देखिए कितना अच्छा हो चुका है। और इसमें मैंने जो जो ऐड करना था, जो थोड़ा घर का मसाला मैंने इसमें ऐड किया है, और यहाँ पर हमारा और यहाँ पर मैंने चावल भी भिगो कर रख देंगे। मैंने कहा चावल भिगो कर रख देंगे क्योंकि जल्दी जल्दी में और कामरान को जाना था कहीं, तो इसलिए। और यहाँ दुआ से मिले, दुआ क्या कर रही हो? मैं स्कार्फ देख रही हो? बना रही हूँ, बनाकर देख रही हूँ। और अभी दुआ लोग आए स्कूल से, और मैंने कहा फटाफट बना लूँ पुलाव क्योंकि इनको लगी हुई थी भूख। ऐसी बात है दुआ। और यहाँ पर कामरान का मैंने बोला आप रायता बना दो भाई, बोला यहाँ पर तो देखो। और यहाँ पर कामरान बना रहा था रायता वगैरह, आज कमरे भी बना रहे हैं। तो वैसे तो हम किचन में ज़्यादा काम करते हैं, और कमरा थोड़ा सा बिखरा हुआ है हमारा, और अभी हम मैं सफाई करूँगी थोड़ी देर में क्योंकि बच्चों ने बैग वगैरह उधर रखे हुए हैं, तो इसलिए। और यहाँ पर प्याज वगैरह काटे जा रहे हैं, तो चले भी बस साथ साथ। मेरा जो है पुलाव हो चुका है रेडी, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और कामरान को तो वैसे भी बहुत पसंद है। हाँ, बिल्कुल। और ये देखो हमारी डार्लिंग है गुगू जी। और यहाँ पर प्याज वगैरह भी हम लोगों ने काटे थे, और ये देखें प्याज वगैरह वगैरह सब कटे हुए हैं। और बस अभी मैं फिलहाल गुगू की वीडियो बना रही क्योंकि दुआ कह रही मम्मा अभी मैंने कपड़े सही नहीं पहने हुए क्योंकि उसने स्लीवलेस पहने हुए, तो इसलिए कह रही थी मम्मा मैं थोड़ी देर बाद बनवाऊंगी। तो चले खाए खाना। खाना वाना तो खा लिया, और मैं तो खूब सारा सोया भी हूँ आज, खाना खाते ही मैं तो सो गया था, है ना। थोड़ा ऊपर कर दो, रोशनी है। हम लोगों ने खाना खा लिया और बच्चे पीछे सो रहे हैं। और रात होगी, मैं गई हुई थी चर्च गई थी, अभी अभी चर्च से आई हूँ, और मैंने कामरान को कहा आपने व्लॉग का एडिट किया आप कर लेते, तो मैंने बोला मैं तो सोया हुआ था, मैं तो अभी अभी उठा हूँ। और तो कैसा लगा आपको पुलाव? बहुत मज़ेदार पुलाव था, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा बनाया आपने। थैंक यू फिर हम अच्छा लगा कामरान को पुलाव, मैं कहने लगी थी थैंक यू। और कर कलर कैसा आ रहा है? अजीब अजीब सा ना, लाइट भी कम है ना इसलिए। और आज का रूटीन अगर आप लोगों को व्यूअर्स अच्छी लगी हमारे हमारे साथ, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग खूब सारा करें सपोर्ट, क्योंकि अभी मैंने ये न्यू चैनल बनाया और इसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और आपको मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे, आप जैसा मुझे व्लॉग के चाय कहते हैं कि वैसे ही मैं बनाऊँगी, और मैं वो ही करती हूँ जो घर की एक्टिविटी हो जो भी हो तो शेयर करती हूँ मैं। और ये वो 14 अगस्त का वो नहीं है पोनी, मैंने वो पहनी हुई है, ये देखें ये गुगू की है। अच्छा, अभी तक 14 अगस्त मना रही है। हाँ, और ये स्टाइलिश बनी हुई है, तो मैं इसलिए मैंने कही। और यहाँ पे कामरान की थक गई थी बाजू, और इसकी बहुत जल्दी बाजू थकती है। मैं जो व्लॉग बनाती हूँ ना, तो मेरे मैं कहती हूँ मेरी हिम्मत है, मैं व्लॉग हिम्मत नहीं, आप भी बोलती हो ये मेरी बाजू थक गई, फिर भी मैं इतनी जल्दी मेरी बाजू नहीं थकती जितनी आप। ये एक मिनट में आपकी 2 मिनट की वीडियो बनी है हमारी, 2 मिनट की नहीं, 1 मिनट में आपका, मैंने बोला है आपका बाजू 1 मिनट के ऐसे आपने पकड़ा तो आपका बाजू थक गया। तो खैर थक भी जाता है कभी कभी, फिर इसमें गया कौन, तो मैं जो इतनी देर भी व्लॉग बनाती रहती हूँ ये वगैरह, आपको तो आदत हो गई है ना अभी। तो अभी बस मैं यही कह रही थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे जो हम आप रूटीन होती है वो शेयर करेंगे, जो जो आप बोलते हैं वो एक्टिविटी शेयर करेंगे, जो भी बोलेंगे खाने में क्या बनाऊँ क्या नहीं। और मुझे थोड़ा हो रहा है, मैं अभी आई चेयर से, और कामरान मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दे रहा और कह रहा है व्लॉग का एंड कर दो, तो मैं यही सोच रही एंड कर दो। मैं आपके साथ कल मैं व्लॉग में एक्टिविटी शेयर करूँगी जो भी होगी, तो मैं भी अभी थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, बार बार कैमरे को बंद कर रहे हैं फिर चला रहे हैं फिर बंद कर रहे हैं फिर चला रहे हैं। तो आज का व्लॉग पसंद आएगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।